गुरु कृपा संस्थान के तत्वाधान में रविवार को दाऊदपुर स्थित संस्था के कार्यालय के सभागार में श्रावण मास के पहले दिन शिव वंदना व सुंदर कांड के पाठ का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट से आम नागरिक परेशान है। उन्होंने कहा, आमजन के हौसले को बढ़ाने और संकट से उबारने के लिए शिव वंदना व सुंदर कांड पाठ का आयोजन आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगा। उन्होंने कहा, श्रावण माह में शिव वंदना करके भगवान शंकर से मन्नत मांगी गई है कि इस कोरोना महामारी को दुनिया से खत्म करें, जिससे आम नागरिक स्वस्थ रह सके। इस अवसर पर प्रेमनाथ सिंह, अभिषेक सिंह, गंगा विष्णु पांडे, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, उमेश पाठक, अष्टभुजा द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा, ब्रजेश राम त्रिपाठी। आज श्रावण का प्रथम दिन है। श्रावण मास हिंदू समाज के लिए बहुत ही सामरिक महत्व वाला महीना होता है। एक तरफ जहां हम आस्था एवं धर्म की संगम में गोते लगाते हैं, भगवान शिव को आराधना करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाली का प्रतीक प्रकृति चारों तरफ हरियाली का संदेश देती है और ख़ास करके महिलाओं के लिए ये महीना बहुत ही खुशनुमा होता है और वो कजरी के माध्यम से अपने प्रियतम को याद करती हैं। तो इस दृष्टि से आज सावन का महीने का ये प्रथम दिन था, तो आज शिव वंदना के साथ यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य है, अभी हम लोग विगत कुछ महीनों कुछ वर्षों में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया ने संकट झेला है। सामान्यतः सभी लोगों की जो एक आत्मबल होता है उस पर चोट आई है, डगमगाया है, तो लोग पुनः अपने दैनिक जीवनचर्या में वापस आएँ और अपने हौसले को बुलंद रखें और अपने धर्म अध्यात्म को याद करते हुए भगवान शिव को स्मरण करते हुए परिवार में एक बार पुनः खुशनुमा माहौल बने, हरियाली का संदेश जाए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे महीने किसी न किसी स्थान पर हम कजरी के माध्यम से और आध्यात्मिक आयोजन के माध्यम से, जैसे आज सुंदरकांड हो रहा है, किसी न किसी दिन हम लोग शिव जी की और उपासना की जो पद्धति है उसके माध्यम से हम लोग शिव को याद करेंगे और जगत के कल्याण की हम बात करेंगे और सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पूरा विश्व कुटुंब अपना परिवार है, सबके महत्व सबके कल्याण के लिए ये इस आयोजन का ये प्रमुख उद्देश्य है।